दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए एक नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जिन्हें रिसेंट रिलीज की गई है, यानी कि इसी हफ्ते रिलीज की गई है। और दोस्तों इस वीडियो की फर्स्ट सीन एक्चुअल में ली गई है इश्क गुनाह से, जिसे आप हंगामा ओरिजिनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 6 पर है डेंजरस वाटर। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है सर्वाइवल एडवेंचर और एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैमिली से जो कि बोट में समुद्र में गोते लगाने के लिए जा रही होती है, लेकिन अचानक से ही उनके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। और असल में ये मुसीबत क्या है और इस मुसीबत से वो फैमिली किस तरह निपटती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस मूवी में देखने वाले होते हैं। मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि एडवेंचर और एक्शन मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। मूवी दोस्तों फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं एप्पल टीवी प्लस पर। नंबर 5 पर है द क्रो। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस मूवी के कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा स्लो है। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसकी लाइफ क्रिमिनल्स के बीच बीत रही होती है। इसी बीच अचानक से ही उसके लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है और उसी दिन से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन अचानक से ही एक दिन कुछ गैंगस्टर जो कि उन दोनों को मार देते हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों के मरने के बाद ही इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है। इन दोनों के मरने के बाद ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है जब हीरो फिर से मरने के बाद वापस आ जाता है और हीरो वापस आते ही अपना रिवेंज उन सभी गैंगस्टर से लेना चाहता है जिनकी वजह से उसने अपनी और अपने गर्लफ्रेंड की जान गंवाई थी। और लास्ट तक अपना हीरो इन सभी गैंगस्टर से बदला किस तरह लेता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी में एटलीस्ट आप अच्छी खासी एक्शन एंजॉय करने वाले होते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 4.6, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर। लेकिन दोस्तों Amazon Prime Video पर यह मूवी फ्री में अवेलेबल नहीं है, इसे फिलहाल सिर्फ रेंट पर ही अवेलेबल की जा रही है। नंबर 4 पर है कोको। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है हॉरर एंड साइंस फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी लेडी से जो कि एक छोटे से शहर में पहुंचती है, लेकिन वहां पर पहुंचते ही उसका सामना कुछ अजीबोगरीब भूतिया गतिविधि से होता है। और इन सभी भूतिया गतिविधियों के पीछे असल में क्या रहस्य छिपा हुआ है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी में आप अच्छा खासा सस्पेंस एंजॉय करने वाले होते हैं, एटलीस्ट ये मूवी आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होती है। मूवी फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों इस मूवी की प्रेजेंटेशन सच में ऑसम है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.1, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, लेकिन वो भी रेंट पर। नंबर 3 पर है गवाली। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जो कि एक छोटे से गांव के एक छोटे से परिवार को बहुत ही ज्यादा सता रही होती है, लेकिन इसी बीच वो परिवार उस पुलिस ऑफिसर का सामना किस तरह करती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी में आप अच्छा खासा सस्पेंस और अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होते हैं। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं JioTV पर, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं JioCinema पर, और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.8। नंबर 2 पर है Sector 36। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है सस्पेंस एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा होता है, लेकिन असल में पुलिस इस सीरियल किलर तक किस तरह पहुंचती है यही दिखाई गई है इस पूरे मूवी में। मूवी की एंडिंग आपको सच में अमेजिंग लगने वाली होती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.4, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 1 पर है थंगलन। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी मूवी एक्चुअल में एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। मूवी की स्टोरी में आप देखने वाले होते हैं कुल्लर गोल्ड फील्ड के सबसे फर्स्ट रेवोल्यूशन को, और इस रेवोल्यूशन को किस तरह अंजाम दी जाती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी यूं तो हिंदी में भी रिलीज की गई है, लेकिन फिलहाल इसे OTT पर अभी तक हिंदी में डब्ड करके रिलीज नहीं की गई है। इसे हिंदी में डब्ड करके रिलीज बहुत जल्द कर दी जाएगी, लेकिन अगर आप इस मूवी को फिलहाल अभी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं आहा ओरिजिनल पर, और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।